प्रिय मित्र श्री कवि सरोज पांडे जी की जो अभी अभी पुस्तक विश्व पुस्तक मेले की चर्चित किताब रही है, काव्य संग्रह रहा है। यहाँ तक हम सोचते हैं, संयोग से डाक की उसकी लेख की प्रतियां मेरे ही पास आई थी, जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं। और संयोग से हमारे बीच में हमारे सबसे वरिष्ठ समीक्षक एडवोकेट जन संस्कृत मंच के संयोजक श्री एडवोकेट उद्धव मिश्रा जी भी हैं। तो ऐसे अवसर पर, और चूँकि चैत्य का शुभारंभ है, नया वर्ष होली होली बीता है, तो इस अवसर पर किताबों के साथ ही चर्चा के साथ साथ कुछ किताबों की, कुछ कविताओं की बात भी होनी तो स्वाभाविक ही बनती है। तो इसलिए सबसे पहले इस बार मैं चाहूँगा कि मैं अपने रिसर्च इन तप्पा डोमा, जो काफ़ी लंबे समय से सोची गई सांस्कृतिक अपने शोध कार्य का एक तरह से कहूँ कि वो किताब और उपन्यास है ही नहीं कहने के लिए है, वो पूरे हमारे जीवन का अनुभव है और समाज के गहराइयों तक के पहुँचने का जो अनुभव है, और समाज ही नहीं देश का, मिजोरम और भोजपुरी संस्कृति का, जिस किताब की भी विश्व पुस्तक मेले में काफ़ी चर्चा रही, यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृति और इतिहास के प्रोफेसर लोगों ने मुझे परामर्श दिया, एक नया काम दे दिया कि इस किताब को रिसर्च पेपर की तरह लिख दीजिए ताकि हम सिलेबस में ले सकें। ये एक मैं उपलब्धि शेयर करना चाहूँगा। बधाई हो आपको, बड़ी अच्छी बात है भाई, एक बड़ी उपलब्धि है। तो इस अवसर पर सबसे पहले मेरे खासतौर से समीक्षक तो हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत समीक्षक भी हैं। पहले समीक्षक, एक अच्छा साहित्यकार का समीक्षक ही वास्तव में गुरु होता है, और क्रूर गुरु होता है जो डंडे लेकर बताता है कि नहीं नहीं सब सही नहीं है, कुछ गलत। तो महान गणराज्य गर्भमंडला, कोरोना काल कथा, लोकतंत्र और नदी, मेरी तीन किताबों का समीक्षक श्री उद्धव पांडे जी। मैं चाहूँगा कि कोरोना, ये रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ की भी समीक्षा पहली प्रति जो है मिश्र जी को ही समर्पित की जाए, ताकि इसके गुण दोष के अनुसार समीक्षा आए। सर दें माननीय मिश्रा जी को। धन्यवाद, अपेक्षा है कि एक समालोचना है। इसके बाद कुछ कहना चाहते हैं हमारे कवि जी मिश्र जी भी, अभी पांडे पांडे जी पांडे आइए पहले आपको। ये किताब मुझे प्राप्त हुई है माननीय पांडे जी द्वारा, जहाँ तक हम जानते हैं, एक समीक्षा की और भी जो है निवेदन, जहाँ तक हम जानते हैं किस भी छवि भी आनी चाहिए। हाँ, तो इस अवसर पर इस वेलकम में आज चैत्र महीने का जो दूसरा दिन है, जैसा कि होली उत्सव हम मनाते हैं, और तीन हमारे एक साहित्यकार, तीन होने का मतलब तीन साहित्यकार मिले और साहित्य की बात ना हो, त्रयी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे संस्कृति में। हम तो चिकित्सक हैं, तो आयुर्वेद में वृद्ध त्रयी है, चरक सुश्रुत बाघ, देवता भी तीन ही है, और विज्ञान भी हमारे शरीर की रचना है, ब्रह्मांड की रचना ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। शरीर की रचना में अंतः त्वचा, बहिर त्वचा, मध्य त्वचा, कार्डियक में हार्ट की भी रचना त्रिस्तरीय है, गर्भाशय की रचना त्रिस्तरीय है। तो तीन लोग हैं, लेकिन स्तर एक ही है। तो इस पर मैं चैती कविता आज मैंने एक लिखा, मैं शुरू करूंगा। चाहता हूँ फगुनिया की जाते ही चैतु अब आया, फगुनिया की जाते चैतु अब आया, सरसों की बात क्या गेहूं कतराया,
पछुआ के झोंके संग दौड़ती बसंतिया का आंचल लहराया। बसंतिया आपकी खोज है। पछुआ के झोंके से बसंतिया का आंचल लहराया, महुआ का पात झरे कोचा लगाया, खड़ा था गोवर्धन राशन की लाइन में। खड़ा था गोवर्धन राशन की लाइन में, दिन भर में बस आज अंगूठा लगाया, दिन भर में बस आज अंगूठा लगाया। एक साल बीत गया दिए इम्तहान को, लेकिन रिंकुआ का रिजल्ट नहीं आया। फगुनियत चली गई चैतु अब आया। शानदार। अब मैं जो नई किताब आई है, मैं निवेदन करूंगा कि इस किताब की तो है, इसकी एक कविता काफ़ी पांडे जी वाचिक करी है, तो पांडे जी भी एक कविता इसमें, कविता से ही इसका भी आज शुरू शुभारंभ करें जहां तक हम जानते हैं। इसी को पढ़ देते हैं। इसी पहली ही रचना बहुत अच्छा पहली जहां तक इसका भी संग्रह का जो पहली रचना है इसका शीर्षक भी है जहां तक हम जानते हैं और कविता भी जहां तक हम जानते हैं। जहां तक हम जानते हैं धर्म को ईमान को, जहां तक हम जानते हैं धर्म को ईमान को, दूसरे के घर में चोर की तरह घुसना और उसे बेदखल करना जेहाद नहीं। जहां तक हम जानते हैं भूखे पेट में संगीन भूकना युद्ध नहीं अपराध है। जहां तक हम जानते हैं हमारा अपने घरों में निहत्थे सोना शासन की मेहरबानी नहीं, हमारा अपने घरों में निहत्थे सोना शासन की मेहरबानी नहीं, हमारी सभ्यता की निशानी है। जहां तक हम जानते हैं हमारी सभ्यता की निशानी। अब इस चर्चा के बाद कविता सुनाने के लिए कहूँ तो नहीं, कविता तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन टिप्पणी दोनों रचनाओं पर एक टिप्पणी की, अगर एक टिप्पणी की बात की जाए तो दोनों के केंद्र में समाज का पिछली कतार का आदमी है, जो लोक है जी, उस लोक को बहुत गहरे जाकर के समझने का काम तप्पा डोमागढ़ में किया गया और ठीक यही काम जहां तक हम जानते हैं कि कविताओं में भी। अच्छा, और अभी अभी आपने जो कविता सुनाया उसमें भी जो आदमी है, आज का पिछड़ा आदमी आम जन कहा जाए, उसकी भी वही दशा है जो इस कविता में आपके है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बेरोजगारी बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, पूरे दिन भर कतार में बैठने के बाद वो राशन की दुकान पर अंगूठा बस लगा पाता है। इस दौर में आदमी कैसे जी रहा है उसका बहुत ही बेहतर चित्रण इन दोनों पुस्तकों में हुआ है, बस विधा का फर्क तप्पा डोमागढ़ में और जहाँ तक हम जानते हैं। और इन दोनों के मूल में क्या है वो तो आपने अपनी कविता में भी सुना दिया। धन्यवाद।